फाजिलका पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने इस गिरोह से 25 लाख की कीमत के 2 विदेशी माउजर 32 बोर और 12 जिंदा कारतूस, 2 तेजधार हथियार और एक लूटी हुई स्विफ्ट कार बरामद की है। ये कार उन्होंने मानसा जिले से गन पॉइंट की नोक पर लूटी थी और कार मालिक को मौके पर ही गोली मार दी थी, जो अभी भी पटियाला के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इन पकड़े गए लुटेरों का संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताया जा रहा है। जो अबूर में जो स्पेशल नाकाबंदी की थी, वहाँ पे एक स्विफ्ट VDI कार नाके पे पकड़ी गई। 6 बंदे थे कि जो कुछ गैंग एक्टिविटी करने के ताक में थे। उनके पास से 2 पिस्टल रिकवर हुए, 32 बोर पिस्टल अलॉन्ग विथ 12 लाइव कार्ट्रिजेस और एक क्रिच और एक छापा, 2 पिस्टल मिले हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हीं गैंगस्टरों के सहयोग से इनको मिले। सर, गैंगस्टरों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते थे ये लोग? अभी तो देखो, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इतना ही पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई के ब्रदर या दोस्तों के साथ इन्होंने कॉलेज में पढ़ते थे। सेकेंडली, सोशल मीडिया पर ये उनके साथ अटैच थे और इनके सीधे संपर्क थे। कोई वारदात नहीं जी करना है। अच्छा, तो पुलिस ने कानू फड़े इनको? पिस्टल सी गई ताकत के फड़े। अच्छा, पहला की कार कितों लुटी सी गई? कितों नहीं, हाँ जी, पता नहीं। ये पिस्टल जड़े सी गए तो डे की मूल दे सी गए जा उन्हें लाइसेंस वगैरह है सी जा की सी गए किस तरह दे सी गए? मेरे को तो है नहीं सी गई पिस्टल। हाँ जी, रहने वाले कितों दे तुसी? मुक्सर तो ही। फाजिलका से जागृति लहर के लिए कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।